नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन स्पोर्ट्स और मैं आपके साथ अखिल गुप्ता। टीम इंडिया इस वक्त जिम्बाब्वे के दौरे पर है। हालांकि दौरे की शुरुआत काफी खराब रही, पहले ही मैच में टीम को 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया ने कमबैक किया, किर्गिस्तान ने पलटवार किया और जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में 100 रन से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर आ पहुंची है। रोमांचक की सीरीज होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में जिम्बाब्वे ने क्रिकेट खेला था, किर्गिस्तान को बता दिया था कि ये सीरीज युवा टीम इंडिया के लिए, वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के लिए उतनी आसान नहीं होगी जितनी दिखती है। हालांकि टीम इंडिया ने दूसरा T20 मैच जीता, 100 रनों के बड़े अंतर से ये मैच जीता और मैच जीतने के बाद टीम इंडिया को एक और खुशी मिली। दरअसल टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर संजू सैमसन भी जुड़ चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि संजू सैमसन को भी जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन पहले और दूसरे मैच में वो टीम के साथ नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड कप चैंपियन टीम ने जीतने वाली टीम के साथ वो बारबाडोस में फंस गए थे। उसके बाद वो मुंबई पहुंचे, मुंबई में विक्ट्री परेड हुई और अब संजू सैमसन टीम इंडिया को ज्वाइन कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे का नाम भी इनमें शामिल है, ये भी टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं, जो कि वाकई में पॉजिटिव साइन है, अच्छे संकेत है, क्योंकि तीन बड़े खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल, T20 क्रिकेट के तीन धुरंधर खिलाड़ी अब टीम इंडिया से खेलते हुए नजर आएंगे। तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में आप इनको खेलता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन बात अगर संजू सैमसन की करें तो इनको लेकर काफ़ी बातें चल रही थी, क्योंकि IPL 2024 में संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोला, 550 के करीब रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की, स्ट्राइक रेट बड़ा धमाकेदार था, कप्तानी में टीम को प्लेऑफ तक लेकर गए, क्वालिफायर 2 तक अपनी टीम को लेकर गए राजस्थान रॉयल्स को। उसके बाद उनको T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में संजू सैमसन का नाम शामिल था। हालांकि टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ग्रुप स्टेज, सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल जीतकर इतिहास रचा, लेकिन एक भी मैच में संजू सैमसन खेलते हुए नजर नहीं आए। संजू सैमसन को अमूमन हमने बेंच में बैठा हुआ या फिर खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए देखा, लेकिन संजू सैमसन के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन का टैग लग चुका है। कोई बात नहीं, भले उनको खेलने का मौका ना मिला हो, लेकिन अब वो सारी कसर जिम्बाब्वे सीरीज में पूरी होने वाली है। जिम्बाब्वे सीरीज में संजू सैमसन एक्शन में नजर आएंगे, क्योंकि वाकई में संजू फैंस के लिए और टीम इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि टीम इंडिया को एक मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस प्लेयर की कमी निश्चित रूप से खल रही थी। हालांकि संजू सैमसन की T20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 25 मैच खेले हैं, एवरेज भले 19 से कम का हो, लेकिन स्ट्राइक रेट 133 है और करीब 374 रन संजू सैमसन इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए बना चुके हैं। 150 भी उनके नाम पर दर्ज है। अनुभव उनका कहना कि टीम इंडिया को काम आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ओपनिंग में शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में पहले मैच में रिंकू सिंह का रन नहीं आया था, लेकिन दूसरे मैच में रिंकू सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा ने तो शतक ठोक दिया, भाई क्या कमाल की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिली, ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 रनों की शानदार पारी खेली। अब इस लिस्ट में संजू सैमसन का नाम भी जुड़ने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ संजू सैमसन को मैदान पर देखने के लिए, आग उगलता हुआ उनको देखने के लिए, क्योंकि ये सीरीज कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर भी डिसाइड करेगी कि आने वाली सीरीज में संजू सैमसन टीम इंडिया के स्क्वाड का पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले तीसरा, चौथा और पांचवा मुकाबला डिसाइड करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या जिम्बाब्वे सीरीज में संजू सैमसन की किस्मत बदलेगी, क्या संजू सैमसन परमानेंट T20 स्क्वाड में अपना नाम फिक्स कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो संजू सैमसन के हर एक फैन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।